जलते हैं दुश्मन, खिलते हैं फूल। देख रहे हैं आपको, मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, फोन पे बातें, फोन देखो, एक दो तीन चार लोग बैठे हुए हैं, गजब। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सो हाय गाइस, माय नेम इज गुरमीत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सोल बैगर। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और दोस्तों ये क्या, अच्छा गेहूं जा रहे हैं शायद, तो इस पे लिखा हुआ है, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल। वाह वाह वाह, क्या बात है दोस्तों, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन खिलते हैं फूल। क्या बात है बॉस, क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों इसी के साथ स्वागत है एक और नए वीडियो में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया लाइन पढ़ के। ऐसे जो है काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, गाड़ियों के पीछे कुछ कुछ लिखा होता है तो थोड़ा सा मूड जो है फ्रेश हो जाता है, और अच्छी अच्छी चीज़ लिखी होती ना तो मज़ा ही आ जाता है, बस अलग लेवल का मज़ा आता है। बहुत से लोग तो जाने क्या क्या लिखवाते हैं, ये तो काफ़ी अच्छी शायरी लग रही थी। तो दोस्तों मैं ऐसे निकला था मार्केट की तरफ, तो मैंने सोचा क्यों ना मोटो व्लॉग जो है कर लिया जाए, क्योंकि मोटो व्लॉग करना यार मुझे पसंद है, आई लाइक मोटो व्लॉगिंग, मज़ा आता है आप लोगों से इस तरह से बातें करके, क्योंकि आपको तो पता ही है गाड़ियों के वीडियो में हम कहाँ बात कर पाते हैं आपसे। दोस्तों आज है 15 जून 2022 और आज वेडनेसडे है आई थिंक, और आज धूप हल्की हल्की निकली हुई है। वैसे क्या है, दो दिन से बादल हो रखे हैं, ह्यूमिडिटी बहुत है, ह्यूमिडिटी तो आज भी बहुत है, लेकिन बारिश नहीं आ रही है यार। बारिश का जो है ना चक्कर चल रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है कि आ नहीं रही है, बस गजब चक्कर है ये, बारिश नहीं आ रही है। 3 दिन से इंतज़ार चल रहा है बारिश का, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। वेदर फोरकास्ट दिखाता है कि हाँ 30% चांस है, 40% चांस है वेदर क्लाउडी रहेगा, लेकिन हमारे टोंक में जो है बारिश नहीं हो रही है। कोटा वोटा में हो रही है, जयपुर में भी एक बार हो गई, लेकिन यहाँ नहीं हो रही है भाई, यहाँ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, होनी चाहिए, हमें बड़ा इंतज़ार है बारिश का, क्योंकि बारिश के बाद क्या होता है ना अलग लेवल का मज़ा जो आ जाता है, वेदर जो अच्छा हो जाता है। अभी देखो टेम्परेचर हालांकि अभी कम हो गया है, 36-37 हो गया है, लेकिन फिर भी यार ह्यूमिडिटी तो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि बारिश से ही सही होने वाली है। और ये जो खुला हुआ था लास्ट ब्लॉक में आपने देखा होगा, वो अभी तक जो है सही नहीं हुआ है, तो उसका ध्यान रखें अगर इधर की तरफ आ रहे हैं तो। ये कंकाली माता मंदिर वाला रोड है, ये स्टेडियम की तरफ से आते हैं तो घंटा मार्केट की तरफ जाते तो ये रोड है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा अगर आप आ रहे हैं तो। ये देखो बच्चों को आगे यार, एक तो समझ में नहीं आता ऐसा काम। हालांकि सिटी में ना ये जो जैसे टायर में कंकर पत्थर लगे होते हैं ना, आपने देखे होंगे कई बार, तो वैसे तो इतनी कम स्पीड में वो निकलते नहीं है, लेकिन फिर भी डर तो रहता है ना यार, बच्चे रहते हैं आगे नहीं बिठाना चाहिए बच्चों को, काफ़ी गलत बात है। और आज तो दो लोग हेलमेट पहने, ये देखो देख रहे हैं आपको, मोबाइल पर बातें कर रहे हैं, मतलब फ़ोन, मतलब हम मार्केट में एंट्री किए ही थे कि फ़ोन पर बातें, वाह गजब। ये हमारा जो एक लेवल है ना, मतलब हम जैसे ही निकलते हैं वैसे ही लोग कान में से लगा लेते हैं फ़ोन, गर्दन टेढ़ी करके बातें करते रहते हैं। अंकल ने मास्क लगा रखा है अभी भी, ये भी ठीक है, धूल मिट्टी से बचने के लिए लगा रखा होगा, या फिर ऐसा कुछ काम होगा उनका जिससे ये गाड़ी क्यों रोक दी भाई। अच्छा ये पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी तो पीछे वाली भी रुक गई, सही है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का नया वेरिएंट जो है आ गया है दोस्तों, स्कॉर्पियो का एन जो आ गया है वो आ चुका है, ये वाला जो है ये भी कंटिन्यू रहेगा, ब्लैक कलर में ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे। बाकी दोस्तों घंटाघर हम जो है पहुंच चुके हैं, क्लॉक टावर हमारे टोंक शहर का, और ह्यूंडई वर्ना डीजल में लेनी चाहिए दोस्तों, जैसे इसमें पीछे से कहीं मेंशन नहीं होता है पेट्रोल है डीजल है, लेकिन अगर आप ले रहे हो ना वरना तो डीजल में लो, ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि पेट्रोल का जो इसका माइलेज है ना बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब आप पेट्रोल डलवा के परेशान हो जाओगे, इससे बेटर रहेगा कि आप कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे के डीज़ल लो, डीज़ल ज़्यादा बेटर है। पहले वाला डीज़ल तो और भी अच्छा था, 1.6 जो आता था, अभी तो 1.5 लीटर का इंजन आता है इसके अंदर वरना में, तो आज पता नहीं मैं जब भी मार्केट आता हूँ थोड़ी सी भीड़ हो जाती है ऐसा लगता है मुझे। बाकी अंकल की कैप अच्छी लग रही है, ट्रिपलिंग हो रही है, ट्रिपलिंग। देखो ये देखो फ़ोन पे बातें, नज़रें नीचे हैं,
नज़र जो है ना, देखा आपने, समझ में नहीं आता कैसे क्या होगा। मतलब पीछे बच्चे बैठे हुए हैं फिर भी बातें चल रही हैं फ़ोन पे, एक हाथ में वो आंखें क्या है कुछ टाइप कर रहे हैं, कोई नंबर डायल कर रहे होंगे वो। ये चीज़ें जो हैं गलत हैं। आप साइड में रुको आराम से, ये देखो रस्ते में थूकते रहते हैं, पता नहीं कैसे काम करते हैं ना। मुझे सब बहुत गुस्सा आता है जो राइट हैंड साइड में थूकते हैं ना, कम से कम उन पर तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तब लोग कहाँ से ओवरटेक करते हैं, राइट हैंड साइड से करते हैं, उधर ही जो है थूक देते हैं लोग बाग। कम से कम यार लेफ्ट में तो करो, थूक रहे हो तो कम से कम। बाकी मैं तो कहता हूँ आराम से रुको आराम से थूको, क्या काम घर पे भी ऐसे करते हैं क्या। और मैं पहुँच चुका हूँ मेहंदी बाग। एक्चुअली यार मैं आया हुआ था हेयर कट के लिए, हेयर कट और थोड़ा सा शेव वगैरह सेट कराना था। तो इधर अपना सैलून है, अपना मतलब मेरा नहीं है, मैं जनरली जहाँ पे आता हूँ वो सैलून है, यहाँ पे मिलवाते हैं हम आपको हमारे सैलून वाले भैया से भी। और क्या बात है, खुद गया मामला। गाड़ी बंद हो गई, क्या बात है, स्टार्ट भी नहीं हो रही, हो गई। तो गाड़ी को यहाँ लगा देते हैं, यहाँ तो कोई नहीं आने वाला है क्योंकि इधर पूरा खुदा पड़ा है। मेरा टोंक शहर ना भाई, टोंक शहर ऐसा, मतलब सड़कें तो हैं ही नहीं, खुद ही पड़ी हैं। अब देखो ये जो लाइन लगा रखी ना, ये भी खुदने वाली है, तो मतलब अलग ही लेवल पे खुदाई हो रखी है। और इम्प्रेशन सैलून पे हम आ चुके हैं। बल्लू भाई कहाँ गए? बल्लू भाई चल जाते हो, आप ही बताओ बुला बुला के। बस भाई आज सीट वाली है अपने लिए। हमारी खाला का लड़का था वहाँ पर, तो क्या हुआ, हम बचपन में जाते थे नानी के, तो जहाँ हम जाते थे वो छुट्टी कर लेता था, ये भी बुला बुला के छुट्टी कर लेता। अब वो हमारी खाला के कितनी दूर से आए के साथ आए, गए के साथ गए, और वही वाला बात है, आए के साथ आए, गए के साथ गए, बुला बुला के चले जाते हो, छुट्टी कर लेता था, फुल फ्री हो जाता था। तो मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉग में। अरे यहाँ शक्ल नहीं दिख रही, चलो चलो ना हमें। हाँ गलत बात है, गलत छुपा लिया। तो दोस्तों मेहंदी बाग में ये शॉप है इम्प्रेशन सैलून, इमाम भाई की शॉप है। और टोक में ये ऐसी एक ही दुकान है जिसकी दो ब्रांचेस हैं, एक छावनी में है और एक मेहंदी बाग में है। तो पटेल सर्कल से आप लेफ्ट आओगे तो ये दुकान आ जाएगी, अगर घंटाघर से आ रहे हो तो। अगर आप टोंक से हो तो रिकमेंडेड है भैया, यहाँ आप आ सकते हो अगर आप टोंक से हो तो। बाकी ये तो रहता ही है कि जो बालों की सेटिंग वेटिंग यहाँ होती है ना, उसके बाद वो सेटिंग घर पे नहीं होती है। ऐसा मैं ही फील करता हूँ या आप लोग भी फील करते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मौसम ना मतलब ऐसे बादल हो रहे हैं तो धूप नहीं है, वरना गर्मी भैया 45-46 डिग्री हो रखी थी, अभी थोड़ी सही हो गई है। बाकी पटेल सर्कल से अभी हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ, और देखते हैं क्या क्या होता है रास्ते में। इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है काफ़ी चलन में है हमारे टोंक शहर के अंदर। और ट्रैफिक यार जब मैं निकलता हूँ, ये बात तो मैं देखी कि ट्रैफिक नहीं मिलता है मुझे, होता है ट्रैफिक। और वापस हम पहुँच चुके हैं जी क्लॉक टावर पे, और आगे पुलिस वाले अंकल खड़े हुए हैं, इधर भी गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन अपने को जनरली लोग रोकते नहीं हैं। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि जब मुझे रोका गया हो टोंक में तो नहीं रोकते मुझे। जनरली ना हेलमेट की वजह से रोका जाता है टोंक शहर के अंदर, तो हेलमेट तो हम हमेशा लगा के चलते हैं। आगे क्या भारी सामान लेके चल रहे थे भैया, और रिक्शा पे भी फ़ोन पे बातें चल रही हैं भाई। लोग बाइक और स्कूटर पे तो चल करते ही थे, लेकिन ये जो पैरों से चलाने वाला रिक्शा होता है उस पर भी लोग फ़ोन पे बातें कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हो, कोई काम है साइड में रुक के ही बात करनी चाहिए। आसिफ भैया फ़ोन पे बात कर रहे आसिफ भैया थे वो। अरे यार तो देखो जानने वाले भी ऐसा काम करते तो अच्छा ही लगता। और सामने हमें दिख रही है ऊँट गाड़ी, टोंक में ऊँट गाड़ी मिल जाएगी आपको। बजरी का काम हमारे बहुत है, और छोटे मोटे काम भी रहते हैं, मकान का काम चलता है छोटा मोटा, तो ईंट वगैरह भी लोग मंगवाते हैं ये ऊँट गाड़ी के अंदर। टोंक में ऊँट आपको मिल जाएंगे, बाकी बहुत से शहरों में आपको ऊँट दिखेंगे भी नहीं, टोंक में इजीली मिल जाएंगे। देखो फ़ोन तो मतलब
चस्का ही अलग है, नशा है फ़ोन का। ऊंट गाड़ी फिर से दिख गई हमें, मतलब फ़ोन में जो चस्का है, जो नशा है ना फ़ोन का, वो गाड़ी पर चलते चलते भी नहीं उतरता है। वो उतरता तब है जब आपकी टक्कर वक्कर हो जाएगी, आपका ध्यान भटक के गिर जाएगा, कोई पत्थर आ जाएगा सामने टायर पे। और ये वाला जो इसकी मैं बात कर रहा था आता टाइम, कि इसको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर भी देखो यार, ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। रात के टाइम जो है थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत आती है इन सब चीज़ों में। यहाँ से ध्यान से गुजरें अगर आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बिना इंडिकेटर के मुड़ा वो गजब आदमी था। मतलब ऐसे लोग अचानक से मुड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता क्यों करते हैं ऐसा। इंडिकेटर दे दो भाई, इंडिकेटर दे दो, क्या जाता है इंडिकेटर देने में। ये देखो फिर से पूरा मुंह लपेटा हुआ है और चल रही है फ़ोन पे बातें। 1, 2, 3, 4 लोग बैठे हुए हैं, गजब 4 लोग बैठे हुए थे। मैंने हालांकि 5-5 लोगों को देखा हुआ है, 6 लोगों को भी देखा हुआ है बैठे हुए। छः लड़के जा रहे थे एक दिन, भाई साहब पता नहीं रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी, होगी तो मैं डाल दूंगा इधर, वरना इधर उधर हो जाती हैं यार। ये कुछ ऐसा मोटो व्लॉग था, मैंने सोचा यार बाहर निकले हैं तो एक वीडियो बना लेते हैं, ताकि कंटिन्यूटी रहती है चैनल पे और आप लोगों से बातचीत भी हो जाती है। आप लोग जहाँ भी रहते हो, जहाँ से भी देख रहे हो मुझे, तो वहाँ बारिश वारिश का क्या हाल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है आपने, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर पे वीडियोस जो है बनाता रहता हूँ। ये देखो फ़ोन नहीं छूट रहा है लोगों का, इलेक्ट्रिक स्कूटर पे वीडियो बनाता रहता हूँ। और ये यार मतलब कैसे चलाते हैं, कैसे लेके जाते हैं समझ में नहीं आता, ख़तरा कितना है दूसरों को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ड, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।